देखो चैप्टर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था, जो एफ डैश एक्स था इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, यही था फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो इसी का हम यूज करेंगे। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ठीक है, दिस इज एच अप्रोचेज टू 0, ओके। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स है तो एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस एच, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इज क्या आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाय एच। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स डिवाइड बाय एच, एक्स एक्स कट गया। एंड विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 1, तो 1 लिमिट तो एच पर एक्ट करेगी, यहाँ एच नहीं है तो ये क्या जाएगा ओनली 1, सॉरी माइनस 1, ठीक है। तो कितना आ गया ये मेरे पास माइनस 1, ठीक है। आ जाओ सेकंड पार्ट इसका कर लेते हम, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ठीक है। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, 1 अपॉन माइनस एक्स, यही मतलब हुआ, ठीक है। आ जाओ हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस एच, ठीक है। नाउ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, इस फार्मूले का यूज करो, एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स अपॉन एच। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ठीक है, ओके। क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाय एच, ओके। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, क्या एलसीएम आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एच इंटू, ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एच, ठीक है। और ये एच कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ये चीज आ गई, एक्स एक्स कट गया। नाउ विच इज इक्वल टू क्या गया, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एच अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच, एच से एच कट गया, ठीक है। वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो क्या गया 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, आया समझ में, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वन, ठीक है। वी नो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, यही फार्मूला होता है। तो नाउ यहाँ पर यूज करो इसको, तो एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 नाउ एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। देखो एफ एक्स प्लस एच, एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस एच, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स प्लस एच और प्लस 1, ऐसे रहेगा माइनस एफ एक्स की वैल्यू के लिए साइन एक्स प्लस 1, ये आ गया। नाउ डिवाइड बाय एच, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या था आपके पास, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू एंड साइन सी माइनस डी बाय टू, तो क्या आ जाएगा टू कॉस सी की जगह क्या आएगा एक्स प्लस एच प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय टू, ठीक है, इनटू साइन सी एक्स प्लस एच प्लस 1 माइनस डी, तो एक्स माइनस 1 हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे एंड डिवाइड बाय टू एंड होल अपॉन एच, ठीक है। देखो 1 से 1 कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ठीक है।
तो क्या आ गया मेरे पास, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो टू कॉस टू एक्स प्लस टू प्लस एच डिवाइड बाय टू, यही आ रहा है, एंड साइन एच अपॉन टू एंड डिवाइड बाय क्या है एच। ठीक है, देखो हमें पता है एक फार्मूला कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन होता है। ठीक है, तो मुझे सेम बनाना है, एक्स तो नीचे अपॉन एक्स, एच बाय टू है तो यहां भी एच बाय टू कर दिया और टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए हम कर रहे हैं, ये टू से ये टू कट गया, इसको नहीं काटना है नहीं तो फायदा कुछ नहीं होगा, वही चीज आ जाएगी जो पहले लिखी थी। ठीक है, ये टू से टू कट गया। नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस ऑफ टू एक्स प्लस टू प्लस एच डिवाइड बाय टू एंड लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच अपॉन टू डिवाइड बाय एच अपॉन टू। देखो एच अगर जीरो को अप्रोच करे तो एच बाय टू भी तो जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, नाउ वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो यहां पर, एच की जीरो तो क्या जाएगा कॉस टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाय टू एंड ये पूरी चीज क्या हो जाएगी वन इंटू वन एंड विच इज इक्वल टू कॉस टू कॉमन तो एक्स प्लस वन डिवाइड बाय टू एंगल का हाफ था ये आ गया एंड विच इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी कॉस एक्स प्लस वन वन। ठीक है, बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ओके, देखो क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाय एट, आपने इसे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स क्या होता है आपके पास, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एंड डिवाइड बाय एच, यही होता है। ओके, नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है, एक्स तो ये है और एक्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस एच से, तो यहां भी रिप्लेस कर दो, क्या जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय एट माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाय एट डिवाइड बाय एच। नाउ यूज द फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू एंड साइन सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, नाउ क्या जाएगा मेरे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन सी, मतलब एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय एट प्लस डी, डी इज प्लस एक्स माइनस पाई बाय एट। ठीक है, एंड डिवाइड बाय टू एंड साइन एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय सी माइनस डी तो माइनस एक्स प्लस पाई बाय एट, ये आ जाएगा डिवाइड बाय टू एंड होल डिवाइड बाय एच। ठीक है, पाई बाय एट से पाई बाय एट, एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, यहां पर तो कुछ नहीं कट रहा है मेरे पास, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच माइनस टू पाई बाय एट होल डिवाइड बाय टू, ये आ गया एंड यहां पर क्या आ गया साइन एच अपॉन टू आ गया। ठीक है, और बचा क्या है नीचे एच, तो इसे मैं एच अपॉन टू लिख सकता हूँ, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये टू से ये टू कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू साइन टू एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय एट। ठीक है, ये एंगल एंड लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच बाय टू डिवाइड बाय एच बाय टू। ठीक है, एच अप्रोचेस जीरो तो एच बाय टू भी अप्रोच करेगा जीरो को एंड एफ डैश एक्स क्या जाएगा विच इज इक्वल टू लिमिट की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो तो क्या जाएगा माइनस, ये टू तो कट चुका है, टू तो कट चुका था, माइनस साइन टू एक्स एच की वैल्यू जीरो माइनस टू पाई बाय एट था, ये टू पाई बाय एट था। ठीक है, तो माइनस
पाई बाय एट होल डिवाइड बाय टू, और इस पूरे की वैल्यू क्योंकि मेरे पास है वन, तो इनटू वन, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, ऊपर से टू कॉमन है तो क्या बचेगा, एक्स माइनस पाई बाय एट एंड डिवाइड बाय टू, ये टू ऐसे रहा, ठीक है, यहां से टू कॉमन आ गया दोनों से, ये टू से टू कट गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाय एट, ठीक है। तो बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, कॉस एक्स माइनस पाई बाय एट की डिफरेंशिएशन क्या आ गई, माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाय एट, ओके, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और बोलते हैं कि ए बी सी डी जो है आपके पास क्या है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है, पी क्यू आर एस भी कॉन्स्टेंट है, और एम और एन क्या है, इंटीजर्स। तो इसे मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना या नहीं, तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, इसे हम वाई भी मान सकते हैं। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए, ठीक है, इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ए, ठीक है, देखो x की पावर वन, तो क्या आ जाएगा, वन x की पावर वन माइनस वन प्लस a, मतलब कांस्टेंट है यहाँ, कोई x नहीं है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, तो क्या आ गया, x की पावर जीरो एंड विच इज इक्वल टू वन, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, वन, ठीक है, आया समझ में। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में है, ठीक है, मैं इसे मान रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू, ये आपके पास दिया है, एंड आर अपॉन एक्स प्लस एस, आर अपॉन एक्स प्लस एस, आपने इनकी इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू एंड आर अपॉन एक्स प्लस एच। देखो ये हमारे पास यू वी फार्मूला बन रहा है, यू एंड वी, प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल बन रहा है, तो क्या आ जाए, प्रोडक्ट रूल होता क्या है मेरे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी यू वी ओवर डी एक्स, क्या आता है मेरे पास, यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स, एक बार पहला एक फंक्शन बाहर, दूसरे की डिफरेंशिएशन, ठीक है, जिसकी डिफरेंशिएशन किया वो बाहर और पहले की डिफरेंशिएशन आ जाएगी, ये फार्मूला आपके पास प्रोडक्ट रूल में, तो वही यूज हम करेंगे यहां पर। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू बाहर एंड डी डी एक्स ऑफ आर अपॉन एक्स, ठीक है, आर अपॉन एक्स को आर इन टू एक्स की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ प्लस एस, ठीक है, एंड प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस बाहर अब, और किसके डिफरेंशिएशन, पी एक्स प्लस क्यू की डिफरेंशिएशन, नाउ विच इज इक्वल टू, ये पी एक्स प्लस क्यू ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आर एक्स, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, तो कॉन्स्टेंट बाहर ऐसे लिखते हैं ना, चलो अलग अलग कर लेता हूं, आपको नहीं लग रहा पता, तो आर बाहर एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस वन एंड डी डी एक्स ऑफ एस, ठीक है, प्लस ये एस है, आर अपॉन एक्स प्लस एस एंड डी डी एक्स ऑफ क्या जाएगा, पी बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स एंड प्लस डी डी एक्स ऑफ क्यू, ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इंटू आर एक्स की पावर माइनस वन, तो माइनस वन आगे आएगा और एक्स की पावर माइनस वन में माइनस वन, यही फार्मूला है ना, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, अगर डी डी एक्स की पावर एक्स माइनस वन है तो माइनस वन आगे आएगा पावर, और एक्स की पावर जो पावर है इसमें वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वही लिखा मैंने यहां पर, प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस एंड यहां पर पी बाहर और एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, वन, ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट की जीरो, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या क्या, पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, ये माइनस वन आ रहा, माइनस मैंने बाहर ले लिया, और क्या आ गया, आर
इंटू एक्स की पावर माइनस टू। तो एक्स की पावर माइनस टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, अपॉन एक्स के लिख लूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, प्लस आर अपॉन एक्स प्लस एस इंटू पी। तो ये इसका आंसर आ गया। आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। तो आपने ध्यान रखना कहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें आपके पास क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वेयर। अगर ये स्क्वेयर नहीं होता तो हम इजिली कर लेते हैं। अब ये स्क्वेयर है तो इनमें हमारे पास लगता है चेन रूल, ठीक है, जो कि हमने स्टडी नहीं किया है, जो कि आपके पास मैथ प्लस टू में है, ठीक है। तो हम इसे विदाउट चेन रूल कैसे करेंगे, ठीक है, जो अभी तक हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली कैसे करना है। देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी लिख सकता हूँ, होल्स के तो दो बार लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो देखो आपने कुछ नहीं करना है, इसे यू वी फार्मूले से करना है। किन्हीं दो को आप एक फंक्शन मान लो यू, और इसको मान लो आप वी, किन्हीं भी दो को आप यू मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं यू वी वाला फार्मूला यूज करूंगा, तो क्या आ जाएगा, यू बाहर ए एक्स प्लस बी बाहर एंड सी एक्स प्लस डी बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वी, यानी कि सी एक्स प्लस डी। ओके नाउ प्लस वी बाहर सी एक्स प्लस डी बाहर, ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, यू की। यू में क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। नाउ विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स की क्या होगी, सी एक्स की वन सी आ जाएगा ओनली, डी की जीरो, प्लस नाउ सी एक्स प्लस डी। देखो यहां पर फिर से यू वी फार्मूला हो जाएगा, दिस इज यू एंड दिस इज वी, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से यू वी फार्मूला यूज कर रहा हूं, तो ए एक्स प्लस बी, क्योंकि दो फंक्शन जब भी प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। तो यहां पर फिर से दो आ गए, यहां थ्री थे, ठीक है, जिसमें से दो को मैंने यू मान लिया, एक को बी मान लिया। अब मेरे पास यहाँ दो है जिसमें से मैं एक को यू एक को वी मान रहा हूँ, ठीक है। एंड नाउ डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी एंड प्लस सी एक्स प्लस डी बाहर एंड डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी इंटू सी प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। सी एक्स की डिफरेंशिएशन क्या, सी डी की जीरो, यही बचेगा, प्लस सी एक्स प्लस डी एंड यहां से इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। आपने कॉमन लेके करना है तो यहाँ पर आप आगे कॉमन भी ले सकते हो। देखो क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में सी एक्स प्लस डी कॉमन है, सी एक्स प्लस डी कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास, सी इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, एंड प्लस क्या बचा यहां पर, ए एक्स प्लस बी इंटू सी एंड प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू ए, ठीक है। ओके अब एक चीज देखो, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी इंटू ट्वाइस हो जाएगा, टू सी इंटू ए एक्स प्लस बी एंड प्लस ए इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। ओके और अगर आपने मल्टीप्लाई करके लिखना आगे तो लिखना, तो लिख लो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, टू सी इंटू ए एक्स प्लस बी एंड सी एक्स प्लस डी, दिस इज सी एक्स, प्लस ए इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वेयर, ठीक है। आया समझ में, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। देखो ये अपॉन यू अपॉन वी फॉर्म है, यू अपॉन वी, हम क्वोशेंट रूल यूज करेंगे, ठीक है। और क्वोशेंट रूल क्या था, मैंने आपको बताया भी था कि अगर वाई इज इक्वल टू यू अपॉन वी है
देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा, वी का स्क्वेयर, ठीक है, वी बाहर एंड डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू बाहर डी वी अपॉन डी एक्स, यही था। यहाँ भी आ जाओ, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वेयर, डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, ठीक है, एंड सी एक्स प्लस डी बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ यू यानी कि ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ किसकी, सी एक्स प्लस डी की जो डिनोमिनेटर में है। नाउ विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, सी एक्स प्लस डी इंटू ए एक्स की क्या हो जाएगी ए, ठीक है, बी की 0 माइनस ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी की क्या जाएगी सी डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने इसको आगे करना तो आगे भी कर सकते हैं, देखो क्या मल्टीप्लाई कर लो, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स, ठीक है, माइनस बी सी, ए सी एक्स प्लस ए डी एंड ए सी एक्स एंड माइनस बी सी डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये आपस में टर्म्स कट गई और क्या है आपके पास, ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 6, वाई आपके पास ये दिया है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले सॉल्व कर लो एक्स, तो एक्स प्लस वन एंड डिवाइड बाय एलसीएम आ गया एक्स, तो एक्स माइनस वन, एक्स से एक्स कट गया, वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ये भी आपके पास क्वेश्चन ट्रू लगेगा यू अपॉन वी वाला, ठीक है, इजी इसे आप कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। आ जाओ सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं, देखो सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, बोलते हैं वाई इज इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे आपने डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखो ये भी यू अपॉन वी की फॉर्म में है, यू है वन और वी है आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर, और यहां पर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बाहर एंड डी डी एक्स ऑफ वन, ओके माइनस, ठीक है, अब वन बाहर एंड डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, आ जाओ, तो वन की डिफरेंशिएशन 0, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 0 माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा, ए का ए रहेगा, एक्स की डिफरेंशिएशन क्या जाएगी 2x, बी ऐसे रहेगा और एक्स डिफरेंशिएशन 1, डिवाइड बाय क्या आ गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 2, नाउ विच इज इक्वल टू क्या बचेगा आपके पास, माइनस 2ax माइनस बी, ठीक है, अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वेयर, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, लग गया पता, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है, सेम है क्वेश्चन नंबर 9 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वाई इज इक्वल टू 8 और 9 सेम ही है, ठीक है, तो मैं 9th क्वेश्चन, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी, आपने इनकी डिफरेंशिएशन करनी है, अगेन फिर से यू अपॉन वी फॉर्म है, क्वेश्चन ट्रू लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा ए एक्स प्लस बी बाहर आ जाएगा एंड डी डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस पी एक्स के प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाहर, और डिफरेंशिएशन किसकी आ जाएगी, यू क्वेश्चन रूल यूज करना आपने यहां पर, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, ओके नाउ विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी
ठीक है, पी ऐसे रहेगा, एक्स वी की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, टू पी एक्स प्लस यहां पर क्यू ऐसे रहेगा, एक्स डिफरेंशिएशन वन, तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, देखो ना कैसे कर रहे हैं हम, पी एक्स के की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो पी बार डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के, देखो मल्टीप्लाई में, यानी पी की डिफरेंशिएशन जीरो होगी, ये मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट बाहर, और एक्स के की डिफरेंशिएशन, ठीक है, अगर पी प्लस एक्स स्क्वेयर होता, ठीक है, तब हम डिफरेंशिएशन करते, अगर तब डिफरेंशिएशन करते तो ये जीरो आता और ये टू एक्स आता, लेकिन यहां मेरे पास प्रोडक्ट में है, ठीक है, माइनस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ए एक्स की डिफरेंशिएशन ए एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपने आगे भी सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके तो कर सकते हो, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लो टू ए पी एक्स स्क्वेयर, टू ए पी एक्स स्क्वेयर प्लस ए क्यू एक्स प्लस टू पी बी एक्स प्लस क्यू बी एंड माइनस ए पी एक्स स्क्वेयर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो ये टू ए पी एक्स के, ये ए पी एक्स स्क्वेयर, तो क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ए पी एक्स स्क्वेयर बचेगा। ठीक है, ए क्यू एक्स से ए क्यू एक्स कट गया और क्या बचा मेरे पास, प्लस टू पी बी एक्स प्लस क्यू बी माइनस ए आर डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास ये दिया फंक्शन जिसे मैंने वाई मान लिया, नाउ डिफरेंशिएट करना है आपसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ए वन अपॉन एक्स की पावर, वो क्या मैं एक्स की पावर माइनस फोर लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस डी डी एक्स ऑफ बी एक्स की वन अपॉन एक्स की पावर टू को एक्स की पावर माइनस टू लिख सकते हैं, प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए बाहर एंड डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस फोर माइनस बी बाहर डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस टू प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये चीज है, विच इज इक्वल टू ए, यहाँ क्या जाएगा पावर माइनस फोर आगे और एक्स की पावर माइनस फोर माइनस वन, ठीक है, माइनस बी माइनस टू आगे, ठीक है, और एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, ठीक है, एंड कॉस एक्स की क्या होती है माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, माइनस फोर ए एक्स की पावर माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस टू बी एक्स की पावर माइनस थ्री एंड माइनस साइन एक्स एंड विच इज इक्वल टू माइनस फोर ए अपॉन एक्स की पावर फाइव प्लस टू बी अपॉन एक्स की पावर थ्री माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन आ गई। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपको इसे डिफरेंशिएट करना है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड विच इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फोर अंडर रूट एक्स माइनस टू एंड विच इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ फोर अंडर रूट एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ टू एंड विच इज इक्वल टू फोर बाहर डी डी एक्स ऑफ अंडरूट एक्स को क्या मैं एक्स की पावर वन बाय टू लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको मैं पावर में चेंज कर लूँ तो मैं इसे डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स की पावर एन की डिफरेंशिएशन मुझे पता है क्या होती है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, एंड इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, तो फोर क्या होता है वन बाय टू आगे आ जाएगा पावर और एक्स की पावर माइनस वन बाय टू, यही चीज होगी, कितना आ गया विच इज इक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट एक्स। ओके, आया समझ में, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की पावर एन, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पावर टू होता तो मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के कर लेता, ठीक है, पावर थ्री होता तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगा लेता, पर यहाँ पावर एन है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच, यही होता है। नाउ आ जाओ एफ डैश एक्स निकालते हैं यहाँ पर, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। देखो एफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, ये वाई क्या है आपके पास एक्चुअली में, दिस इज योर एफ एक्स। ठीक है, देखो एफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी की पावर एन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस एच विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी की पावर एन आएगा। तो यहां लिख लू मैं ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी की पावर एन एंड माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर एन एंड होल डिवाइड बाय एच, ये चीज आ रही है। ओके ठीक है, देखो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, मैंने क्या किया ए एक्स प्लस बी कॉमन ले लिया। ठीक है, ए एक्स प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास, ए एक्स प्लस बी कॉमन लिया तो क्या बचा, वन प्लस ए एच अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, यहाँ पावर एन कॉमन आएगा। ए एक्स प्लस बी कॉमन ले रहा हूं तो पावर एन के साथ आएगा कॉमन और अंदर क्या बचेगा, वन प्लस ए एक्स प्लस बी की जगह क्या बचेगा, वन अपॉन दिस एंड प्लस ए एक्स प्लस बी की पावर एन होल डिवाइड बाय एच। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। देखो दोनों टर्म में क्या कॉमन है आपके पास, ए एक्स प्लस बी की पावर एन कॉमन है कि नहीं है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन दोनों में कॉमन है तो ले लूं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स प्लस बी की पावर एन कॉमन है तो क्या बचेगा, वन प्लस ए एच अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, ये प्लस कहां से आ गया तो माइनस था, माइनस वन यही बचेगा एंड होल डिवाइड बाय एच। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं बायनोमियल एक्सपेंशन का यूज करूंगा, दिस इज वन प्लस एक्स की पावर एन की एक्सपेंशन। ठीक है, या एक्स प्लस ए की पावर एन किया था ना हमने, कि एक्स प्लस ए की पावर एन की एक्सपेंशन क्या होती है, एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एन सी एन ए की पावर एन, यही एक्सपेंशन थी। ठीक है, तो ये क्या वन प्लस एक्स, ठीक है ये किस फॉर्म में है, वन प्लस एक्स की फॉर्म में है, तो एक्स को वन से रिप्लेस कर दो ए को एक्स से, तो क्या आ जाएगा एन सी जीरो यहां वन प्लस एन सी वन एक्स ए इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है, एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, नाउ एन सी वन की वैल्यू क्या थी मेरे पास, वन। ठीक है, प्लस एन सी वन की वैल्यू एन, ठीक है यही होती है एन एक्स प्लस दिस इज एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एक्स की पावर एन, यही आएगा। ठीक है, तो आपने बस यहां पर वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है, आप देखो कंपेयर करो और वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो। ठीक है, तो नाउ विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स प्लस बी की पावर एन, देखो वन की जगह वन, तो वन प्लस क्या आ जाएगा एन एक्स यानी कि एन इंटू ए एच डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी। ठीक है, प्लस प्लस क्या जाएगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वेयर यानी कि क्या जाएगा एक्स स्क्वेयर यानी कि ए स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स की पावर एन, यहां लिख देता हूं यानी कि ए की पावर एन एच की पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन, यही आ जाएगा एंड होल डिवाइड बाय एच। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ओके ठीक है, और लास्ट में क्या था, माइनस वन।
ठीक है, वन से वन कट गया। नाउ विच इज इक्वल टू क्या जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू ऊपर से एच कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास, एन ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू ए स्क्वेयर, एक एच कॉमन ले तो एक एच बचेगा, डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, ए की पावर एन एच की पावर, एक एच कॉमन ले तो पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, एक एच कॉमन ले लिया था तो एक एच कॉमन कर दिया, ये चीज आ गई, एंड डिवाइड बाय एच, एच कॉमन था तो एच से एच कट गया, ठीक है। अब वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो, ठीक है, मैं ये रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं लिखने के लिए, ठीक है। देखो वैल्यू मतलब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एच की वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट कर दो, क्योंकि मेरे पास नीचे एच नहीं है, तो अब क्या जाएगा, विच इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू एच, यहां पर नहीं है तो क्या जाएगा, एन ए अपॉन ए एक्स प्लस बी, एच की वैल्यू जीरो तो ये टर्म जीरो, तो आगे सभी टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, यही बचेगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन और अपॉन ए एक्स प्लस बी, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, इसको ऊपर ले गया, एंड नाउ विच इज इक्वल टू एन ए इंटू दे सेम पावर एड ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो ये आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, आया समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप ट्राई करोगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करना, मैं आपको बता देता हूँ आपने करना क्या उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्चुअली में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर एन एंड सी एक्स प्लस डी की पावर एन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। अब देखो ये मैंने जी एक्स मान लिया, ये मैंने एच एक्स मान लिया, ठीक है, आएगा कैसे, एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा, ठीक है, जी एक्स बाहर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स, ठीक है, प्लस एच एक्स बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, इसका मतलब है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूं मैं नाउ, इसका मतलब क्या है, जी एक्स क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस बी की पावर एन एंड डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर एन प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर एन एंड डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन, आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, ठीक है, और इसे सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व करना है और वैल्यू सब्सिट्यूट कर देनी है, आपके पास आंसर खुद आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो मैंने अभी सॉल्व किया, अभी सॉल्व किया ना, अभी सॉल्व किया था, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या आया था सी एक्स प्लस डी, इसके लिए क्या आया था, एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन आया था कि नहीं आया था, इसे रफ कर दो, ठीक है, आया था ए एक्स प्लस बी की पावर एन की डिफरेंशिएशन अभी तो की ये सारी, ठीक है, यही आया था। सिमिलरली यहां पर देखो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू, देखो ए एक्स प्लस बी की पावर एन था तो कंपेयर करो क्या आया, एन और ये एक्स का कॉफिशियंट, तो क्या आएगा, एन और एक्स का कॉफिशियंट सी, एन सी और बाकी क्या बचेगा, सी एक्स प्लस डी की पावर एन माइनस वन, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, आया समझ में। तो जिस तरह आपने ये डिफरेंशिएशन की थी तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, इसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है, ये दोनों टर्म सेम है, कंपेरिजन करो, ठीक है, जस्ट सी इज यहां पर, ए को सी से रिप्लेस कर दो, बी को डी से रिप्लेस कर दो और वही चीज लिख दो, ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आपके पास आ जाएगा, इसलिए ये मैंने आपको बोला करने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आप करोगे, ठीक है, ओके। देखो नेक्स्ट आपके पास इसकी आपने डिफरेंशिएशन करनी है, देखो हमने डिफरेंशिएशन की है साइन एक्स की, क्या होती है, कॉस एक्स होती है, ये हमने डिफरेंशिएशन की है जब अंदर साइन के साथ एंगल अकेला हो एक्स, ठीक है, पर यहां पर एक्स प्लस ए है, तो हम इसे कैसे करेंगे, बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो नॉट साइन, इट इज एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। तो यहां पर एफ डैश एक्स किया जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स साइन एक्स प्लस ए, ठीक है। तो एक्स की जगह एक्स प्लस एच रिप्लेस कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच प्लस ए, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो टू कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाय टू, एंगल का हाफ है, एंड साइन सी एक्स प्लस एच प्लस ए माइनस डी डिवाइड बाय टू एंड होल डिवाइड बाय एच। एक्स से एक्स कट गया, ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया, विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो टू कॉस टू एक्स प्लस एच प्लस ए डिवाइड बाय टू एंड साइन एच प्लस ए डिवाइड बाय टू होल डिवाइड बाय एच। ये चीज आ रही है, ठीक है। यहां देखो थोड़ी गड़बड़ हो गई, ठीक है, एफ एक्स साइन एक्स प्लस ए है तो यहां पर साइन एक्स प्लस ए आएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस ए आएगा, ठीक है, तो माइनस ए से ए भी कट जाएगा तो ए भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसे मैं टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ओके। अब ये टू कट के तो क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच प्लस ए। यहां पर भी क्या आएगा, एक्स प्लस ए आएगा, सी था ना, तो यहां क्या आ जाएगा टू ए, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, टू ए अपॉन टू एंड लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो साइन एच अपॉन टू डिवाइड बाय एच अपॉन टू। अगर एच जीरो को अप्रोच करो तो एच बाय टू भी जीरो को अप्रोच करेगा, ये पूरी टर्म क्या होगी वन। तो क्या आ गया मेरे पास, वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो यहां पर, तो क्या आ जाएगा कॉस टू एक्स प्लस टू ए, एच की वैल्यू जीरो डिवाइड बाय टू एंड विच इज इक्वल टू कॉस टू कॉमन, तो एक्स प्लस ए डिवाइड बाय टू एंड टू से टू कट गया एंगल में, तो क्या आ गया कॉस ऑफ एक्स प्लस ए। तो साइन एक्स प्लस ए की डिफरेंशिएशन क्या आ गई, कॉस एक्स प्लस ए, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं, ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। देखो इन क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, कॉसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है, वाई इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स एंड कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है। एक तो बाय द यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, पर हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इनकी डिफरेंशिएशन पता है। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स किया जाएगा, ठीक है, कॉश सॉरी प्रोडक्ट रूल का यूज किया, तो कॉसिकेंट एक्स बाहर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स यू वी, ठीक है, यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी बाहर एंड डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, ये आपके पास है यू मान लिया, ये आपने वी मान लिया, तो क्या आ जाएगा कॉसिकेंट एक्स, कॉट एक्स की क्या होती है माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस कॉट एक्स, और कॉसिकेंट एक्स की क्या होती है माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, नाउ विच इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट क्यूब एक्स एंड माइनस कॉट स्क्वेयर एक्स एंड कॉसिकेंट एक्स, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन है एंड कॉसिकेंट एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा मेरे पास कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स, यही बचेगा, ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंशिएशन होगी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, वाई मैंने मान लिया क्या दिया है कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, क्वोशेंट रूल का यूज करूंगा, ठीक है, यू अपॉन वी, यू अपॉन वी है तो क्या आ जाएगा नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी डी एक्स ऑफ
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, नाउ क्वोशेंट रूल यूज किया तो क्या आ जाएगा, वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा वन प्लस साइन एक्स बाहर, ठीक है, एंड डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स बाहर एंड डी डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू वन प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है मेरे पास माइनस साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स इंटू वन की डिफरेंशिएशन जीरो, और साइन एक्स की क्या आ जाएगी कॉस एक्स, एंड डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आई समझ में। नाउ विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स एंड माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर, ये चीज आ गई। ठीक है, नाउ विच इज इक्वल टू, देखो माइनस साइन एक्स माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स एंड डिवाइड बाय वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर, दोनों में माइनस कॉमन लिया इन दोनों में। ठीक है, नाउ माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर, नाउ विच इज इक्वल टू, माइनस कॉमन लिया तो इससे क्या मैं वन प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ, और नीचे क्या आ गया मेरे पास वन प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर, ये कट गया आपस में, तो क्या माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो ये कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स के डिफरेंशिएशन क्या आ गया माइनस वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। ओके।